आप भी ना दिन भर गाने सुनते रहते हैं, बस कीजिए अब, दिल ढलने को आ गया है। और आप है कि देखो कैसे मस्ती कर रहे हैं बच्चे। बिल्कुल हमारे डिल्लू जैसा है ना। अब वो हमारा डिल्लू नहीं रहा। विद्या जल्दी करो, रोज की तरह स्कूल के लिए देर हो रही है यार। अरे आ गई ना, आ गई आ गई। चल डिल्लू, देर हो रही है बाबा। चलो चलो चलो, लेट्स गो। एक मिनट, ये रहा बैग और ये रही वाटर बॉटल। चल ठीक है, एक मिनट रुके ना। अरे अब जा, चल आई को बाय करो। बाय। चलो डिल्लू, स्कूल के लिए देर होएगा। बाय। चाय पी लो। हाँ, आपने क्यों बनाई? कभी कभी मेरे हाथ से भी पी लिया करो। आओ। साल कैसे गुजर गए कुछ पता ही नहीं चला। कहाँ एरोप्लेन घर लाने की जिद करने वाला हमारा नन्हा से बिल्लू, और उसी एरोप्लेन में बिठाकर हमने उसे दूर देश भेज दिया। आप ही तो भेजना चाहते थे उसे विदेश पढ़ने के लिए, अपने से भी ऊंचा उड़ते हुए देखना चाहते थे उसे। ताजा साथी इस कालजा पर दगड़ ठेव लगा। इकलौते बच्चे के बिना दिन और रात दोनों काटना मुश्किल हो जाता। जिसे हम एक पल के लिए भी अपनी आंखों से दूर नहीं देख सकते थे, और जितने सालों से वो विदेश में हमसे दूर। छोड़िए ना, अगले हफ्ते आ रहा है ना वो, उसके आने के बाद हम अपना सारा टाइम उसी के साथ बिताएंगे। बस अब कुछ काम नहीं, रिटायरमेंट के बाद कुछ करने को बचा ही नहीं है। बेटा जवान हो गया है, बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स खत्म करके आएगा ना, बस उसके बाद वो बिजनेस करेगा। और एक बार उसकी शादी हो गई तो हम दोनों रहने के लिए सांगली चलेंगे। अपने बेटे से फिर से दूर रहने का इरादा है आपका? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ऐसे नहीं, बस लेकिन 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 कुछ नहीं, और अपने लाडले के आने की तैयारी कीजिए। ना सामान लाना है मुझे, पूरन पोली, चिवड़ा, लाडू, सब कुछ उसके मनपसंद बनाऊंगी मैं, सब कुछ। वारे वाह, बेटा आ रहा है तो उसकी पसंद का सब कुछ बने, और पति की पसंद का कभी कुछ नहीं बनता। हो जैसे आपको तो मैं कभी आपके मनपसंद कुछ खिलाती ही नहीं हूँ। दिलीप, लगता है दिलीप आ गया। दिलीप, आई? चल
अंदर चल। कशी है? मस्त। खा, अच्छे से खा। बाबा खाओ ना, आई के हाथ की पूरन पोली तो ऑल टाइम हिट है। विद्या, वो हॉर्न सुनते ही बाहर आ गई ना, तो थोड़ी सी जल गई है। थोड़ी सी? खाओ चुपचाप, फेंक थोड़ी ना सकती हूँ। फेंक नहीं सकती तो मुझको दे दिया। अरे मैं क्या यार। खाओ ना चुपचाप। कितना दुबला हो गया है, वहाँ कुछ खाने वाने को नहीं मिलता था क्या? मैं खिलाऊँ क्या अपने हाथ से? हाँ ले। आई? आ गया तू, बैठ। मैं तेरे लिए चाय लेकर आई। आई तुझे कितना बुखार है? तू आज यहाँ बैठ, आज का खाना मैं बनाऊंगा। अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू बैठ, कुछ खाने के लिए लाती हूँ मैं। नहीं आई, तू बैठ, मैं आज बनाता हूँ। अरे डिल्लू ठीक हूँ ना मैं। नहीं नहीं नहीं, तू बैठ, मैं तेरे लिए गर्मा गर्म चाय लेके आता हूँ, ठीक है? बहु पसंद है? मंजी? डिल्लू के लिए रिश्ता है, लड़की ने MBA किया है। डिल्लू को फोटो दिखाओ, अगर पसंद हो तो बात आगे बढ़ा सकते हैं। वैसे मेरी उससे बात हुई थी, अगर उसे कोई पसंद हो तो, पर उसे तो हमारी पसंद की लड़की से शादी करनी है। सच में बेटा हो तो ऐसा, शायद पिछले जन्म में हमने जरूर कोई पुण्य कर्म करा होंगे जो सब कुछ सपने की तरह लग रहा है। लाइफ हो तो ऐसी। विद्या, एक कप गरम गरम चाय मिलेगी? चाय? अभी लाई। बहना पैसा दो ना। थैंक यू बहना। नेहा, तूने ना अपने भाई को कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा के रखा है। अच्छा छोड़ो, मैं क्या कह रही थी, दिलीप ना एक लौता लड़का है उनका, तुम्हारे बाबा ने ना सब कुछ संभाल के रखा है, और शादी के बाद ना उसको अपनी माँ के पल्लू से चुड़ा कर अपनी मुट्ठी में कर लेना। और महारानी, शादी के बाद भूल नहीं जाना अपने माँ बाबा को। तू भी ना। वेणु, मेरे इकलौते बेटे की शादी, तुमको जरूर आना है, कोई बहाना नहीं चलेगा। सर जी, आपने बुलाया तो आना ही पड़ेगा ना। अरे अपने क्लब के सारे दोस्त आने वाले हैं, खूब हंगामा करेंगे, मैंने सबके खाने का स्पेशल इंतजाम किया। क्या बात है, यानी दिलीप के शादी के चर्चे तो बरसों तक चलेंगे। बिल्कुल, देख यार, सब दोस्तों की शादियों में दावतें उड़ाई हैं, अपनी बारी आई है, देना तो पड़ेगा। अच्छा मैं चलता हूँ, रिश्तेदारों के और कार्ड देने। ठीक, चलो। देखिए सरनाइक साहब, मैं ना ये शादी के फिजूल खर्चे में ना विश्वास नहीं रखता हूँ, वो मेरे वसूलों के खिलाफ है। तो ऐसा करते हैं ना, आप अपने 100 लोगों को बुलाइए और मैं अपने 100 लोगों को बुलाता हूँ, कैसे रहेगा? हाँ सो मच पकन सर जी, ठीक है। रमाकांत जी, ये क्या किया आपने? आपने तो मेरे बात को कोई अहमियत ही नहीं दी। देखिए मैंने आपको बोला था कि आपकी तरफ से 100 लोग आएंगे और मेरी तरफ से 100 लोग आएंगे, मगर ये आपने क्या करके क्या रखा है? अरे पूरे शहर को बुला लिया बारात में। देखिए आप अमीर होंगे,
मगर मैंने भी अपने बेटे की पढ़ाई में कुछ कम खर्चा नहीं किया है। देखिए मैं अपने 100 प्लेट का ही पैसा दूंगा, बाकी आप देख लीजिए जो करना है वो। तुम्हारे बारे में मैंने बिल्कुल ठीक सुना था विश्वास। तो मेरे बेटे की शादी हो चुकी है, उसका दिल नहीं तोड़ सकता हूँ मैं, लेकिन तुम्हें इस शादी के खर्च के लिए 1 रुपये देने की जरूरत नहीं। लेकिन एक बात सुन लो, आज के बाद ना तो मैं तुम्हारी दहलीज पे कदम रखूंगा और ना तुम मेरी दहलीज पे रखूंगा। ये तमाशा इसी वक्त खत्म करते हैं। क्या हुआ? शादी में भी आपका चेहरा उतरा हुआ था, क्या बात है? हम लोगों से बहुत जल्दबाजी हो गई है। पहले तो ये लोग शरीफ लगे थे, लेकिन अब इन लोगों ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। पैसों के लिए इस हद तक गिर सकता है, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जाने दीजिए ना, आप अभी भी उस बात को दिल से लगाए बैठे हैं। एक ही बेटा है हमारा, अगर उसकी शादी में पैसे नहीं खर्चा करेंगे तो क्या फायदा इन पैसों का? जाने दीजिए। फिदा, कुछ गलत होने वाला है, बहुत बहुत अजीब महसूस हो रहा है। कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। कांदा पोहा तुझे बहुत पसंद है ना? देखो खूब सारा बनाया तेरे लिए, अच्छे से खा। विद्या मुझे भी भूख लगी है। आओ थामा ना, दे रही हूँ। रुको दिलीप, इतना ऑयली तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इतने साल लंदन में रहे हो, इतना ऑयली खाओगे? देखो मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है, ये तुम्हारी सेहत के लिए एकदम हेल्दी है, लो खाओ। बाबू एक बात बोलू? आज घर में कोई नहीं है तो कितना सुकून है ना? आज पहली बार हम अपने स्विमिंग पूल का मजा ले रहे हैं, नहीं तो ऐसे लगता है जैसे स्विमिंग पूल नहीं पानी की टाकी भर रखी हो घर में। आई और बाबा के सामने हम लोग ऐसा बैठेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना, वो तो अब सांगली गए। वैसे भी इस उम्र में उनको वहाँ की हवा ज्यादा सूट करेगी ना, और हमें भी थोड़ी प्राइवेसी मिल जाएगी। अब मिली ना प्राइवेसी, अब इसका हम फायदा उठाते हैं। आई ये तो मी हो, क्या हो गया? फिर से बुखार हो गया? ये वायरल वाला फीवर हो गया है। चल ना बिल्लू, उशीर होता है, बुखार है तो चले जाएंगे ना डॉक्टर के पास। अब बच्चे थोड़ी ना है कि हर बात समझानी पड़े। बाबा हम लोग को लेट हो जाएगा, हम बाहर से डिनर करके आएंगे, चल रहे हैं। दिलीप अब तुम तुम्हारे बाप को बोलोगे या मैं बोलू? नेहा तुम एक लौते बेटे हो उनके, हाँ उनकी प्रॉपर्टी पर तुम्हारा हक है ना, और उनके जाने के बाद तो सब कुछ तुम्हारा होने वाला है, तो क्या प्रॉब्लम है अगर अभी सब कुछ तुम्हारे नाम पे कर देंगे तो? ऊपर जाते वक्त क्या अपने साथ लेके जाने वाले है सब कुछ? देखो ऐसे देखो मत, मैं जो बोल रही हूँ वो करो यार। मैं अपने ससुर के बंगले में नहीं अपने पति के बंगले में रहना चाहती हूँ। मैं भी तो सबको फक्र के साथ कह सकूं ना कि मैं मालकिन हूँ इस सारी प्रॉपर्टी की। वो तो तुम अब भी हो यार। नहीं
अभी मैं नहीं तो तुम्हारी आई मालकिन है इस प्रॉपर्टी की। तुम्हारे बाप ने तो मेरे आई बाबा को इस घर का रास्ता भी बंद कर दिया है। नेहा, 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 नेहा। इसी महीने इन दोनों को घर से धक्के देकर बाहर निकाल दूंगी। फिर जैसे ही वो लोग चले जाए ना, तू और बाबा तुरंत यहाँ रहने आ जाना। वाह मेरी बिटिया रानी वाह, आखिर तूने वही किया जो मैं चाहती थी। अब आएगा मजा। कैसी तबीयत है आपकी? ठीक है। डोंट वरी, बहुत जल्द घर जाएंगे आप। अंकल नहीं आए? हे भगा, हाले थे? आइए अंकल। आंटी कब से आपका वेट कर रही थी। इंजेक्शन दे दिया है उन्हें, बस थोड़ा आराम करने दीजिए। दो घंटे बाद मैं वापस आऊंगी चेक करने के लिए। जी थैंक यू। ओके। बस कैसे हो? ठीक हो। आज 4 दिन हो गए, डिल्लू देखने भी नहीं आया मुझे। देते हैं उसे जो चाहिए ना। वैसे भी आज तक उसी के लिए तो जीते आए हैं हम दोनों। बिना मांगे सब कुछ दिया है उसे। तो अब बाद में बात। रमाकांत सरनाईक तुम्हीच का? हाँ? वो आपको साहब ने चौकी में बुलाया है। मुझे? क्यों? वो साहब उधर ही बताएंगे। ठीक 4 बजे आ जाना चौकी में। मैं खुद इस मामले की जांच करता हूँ और आपको इन्फॉर्म करता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, नेहा का ससुर। आइए सरनाईक साहब, बैठिए। चवण दोन चहा सांग रे। सॉरी सरनाईक साहब, आपको थोड़ी तकलीफ दी। बात ही कुछ ऐसी थी, क्या कि आजकल सास बहु के हैरेसमेंट के केस कुछ बढ़ गए हैं। आपके बहू ने भी आपके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराई है। उनका कहना है कि उनके ही घर में उनको बहुत तकलीफ हो रही है। तो आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? हमें अपनी बहू से कोई शिकायत नहीं और कोई तकलीफ भी नहीं है हमें अपने घर में। तिनका तिनका जोड़कर हमने अपने प्यार का आशियाना सजाया है। इंस्पेक्टर साहब, 4 दीवारों से घर नहीं बनता है, घर बनता है उसमें रहने वालों से। मैं और मेरी पत्नी, हम बहुत सालों से उस घर में रह रहे हैं। हम दोनों के अलावा अगर वहां कोई तीसरी आवाज थी ना, तो वो हमारे घर की थी। नेहा हमारे घर में बहू बनकर आई, हमारे घर ने उसका स्वागत किया, उसे अपनाया। यहां से कोई शिकायत नहीं है हमें। अगर शिकायत है तो दिलीप से। जिसे हमने राजकुमार की तरह पाला, किसी दुख दर्द का कोई एहसास नहीं होने दिया। खैर, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो फिर आपके बहू ने आपके खिलाफ कंप्लेंट क्यों दर्ज की? की होगी कंप्लेंट अब, क्योंकि
वो हम लोग नहीं जानते। मैंने आपसे कहा ना कि अपनी बहू से हमें कोई शिकायत नहीं है, हमारा बेटा ही नालायक निकला। सर, मैं और मेरी पत्नी बहुत सालों से अकेले रह रहे हैं, आगे भी हम अकेले रहेंगे। दिलीप से अब कोई रिश्ता नहीं है हमारा, इसलिए इसकी कोई ख्वाहिश हम पूरी नहीं कर सकते। इसे हमारा घर चाहिए, पैसे चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, नहीं दूंगा उसको। मेरी मेहनत की है, अब अगर कोई रिश्ता ही नहीं रहेगा तो कोई गिला शिकवा भी नहीं होना चाहिए। आप तो हम लोगों पर अगर कोई एक्शन लेना है तो आप ले सकते हैं, लेकिन मैं इसे कुछ देने वाला नहीं। सर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो चाहिए स्नेहा को चाहिए, और इसी ने मुझे परेशान कर रखा है, और ये तो आप दोनों की पसंद थी ना, और आपके खिलाफ इसी ने मुझे पट्टी पढ़ाई है, इसी ने मुझे प्रॉपर्टी के लिए हरासमेंट वाला झूठा केस करने के लिए बोला। और इसी ने मुझे आपसे दूर करवाया है। और तुम दूर हो गए और मेरा क्या? मेरे फ्यूचर के बारे में मैं नहीं सोचूंगी तो कौन सोचेगा? मैं मेरा हक लेके रहूंगी बस। इंस्पेक्टर साहब, मैंने अपने जीवन में पढ़ा बहुत कुछ, लेकिन लिखी हैं सिर्फ 4 लाइन। हजारों ख्वाहिशें ऐसी जो हर कूचे पे दम तोड़ दे, कुछ ना तेरा कुछ ना मेरा, देख पथ और कदम मोड़ दे, मुसाफिर है तू भी मुसाफिर हूं मैं भी, समझ रहे थे बरबस रिश्ते, वक्त का पहिया ऐसे चले जब, आंधी हो या तूफान मोड़ दे। चलो विद्या। सरनायक, अब तो तुझसे मैं कोर्ट में निपटूंगा, बख्तस तुला कोर्टा। आप आज तो कोर्ट की तारीख थी, गए नहीं वहां? जाना है। तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? ठीक हूं मैं। यह अदालत अपना फैसला सुनाती है कि माता पिता के जीवित रहते संतान उनकी संपत्ति पर दावा नहीं कर सकती। यह अदालत भविष्य में दिलीप को अपने पिता रमाकांत के व्यक्तिगत जीवन और संपत्ति से बेदखल करती है।